एवरीवन, दिस इज मी साध्या हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। व्हेन आई से आने वाले दिन मींस लेस देन अ वीक टाइम। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले एक हफ्ते के टाइम के अंदर या विद इन वन वीक टाइम। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल फील है, सबके साथ मैच कर भी सकती हैं और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो बाकी सर्विसेज भी चेकआउट कर सकते हो जो कि मैं ऑफर कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप सबके लिए देख सकते हो। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले कुछ दिनों में। लेट्स बिगिन। King of Swords, wow, a new beginning, beautiful, मुझे लगता है कि आप और आपके soulmate के दरमियान एक नया chapter जो है वो start होने वाला है आने वाले एक हफ्ते से कम time के अंदर। हो सकता है कि ये जो good news होगी आपकी love life के लिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहेगी, क्योंकि somehow मुझे लगता है कि आप और आपके पर्सन के दरमियान में चीज़ें शायद इतनी अच्छी नहीं हैं राइट नाउ, और सडन डेवलपमेंट होगी और सडन शिफ्ट होगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान कनेक्शन में, जहाँ पे शायद आप और आपका पर्सन हो सकता है राइट नाउ दोनों किसी बात को लेकर नाराज़ हो, बातचीत शायद इतनी नहीं कर रहे हो, लेकिन सडनली आप इस कनेक्शन में देखोगे कि एक मिरेक्युलस शिफ्ट आएगा या मिरेक्युलस चेंज आएगा जो कि आप आने वाले कुछ दिनों में ही एक्सपीरियंस कर जाओगे, विच इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। और मुझे लगता है कि ये कनेक्शन काफ़ी पुराना है, इट्स नॉट अ न्यू कनेक्शन आपके लिए। तो ऐसा कनेक्शन है ये, जैसा कि आप सदियों से इस इंसान को जानते हो, उतना क्लियर आपको इस इंसान के बारे में एक इनर नोइंग थी, है और मुझे लगता है कि रहेगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में एक रिजिडनेस जो है वो ज़रूर रही होगी। मुझे लगता है कि ये पर्सन ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी का जो कि जो जिसने आपको, आप इस इंसान के साथ बेसिकली एक जर्नी आपने स्पेंड की है अपनी लाइफ की, एक अच्छा खासा फेज़ आपने अपने लाइफ का इस इंसान को दिया है। और मुझे लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी का एक वो मिसिंग पीस ऑफ योर पज़ल है जो कि शायद आपको हमेशा पता था कि यही आपकी ज़िंदगी में वो जो एक इनकम्प्लीट सी एनर्जी है उसको कम्प्लीट करेगा। और सेम गोज़ फॉर योर पर्सन एज वेल। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर दिखाते हो, कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन इस तरह का है जहाँ पर शायद आप उसको जो बातें कहते हो वो उससे बहुत कुछ लर्न करता है आपका पर्सन, और इसी तरह से वो आपको काफ़ी हेल्प किया होगा पास्ट में, करंटली भी शायद आपको काफ़ी हेल्प करा होगा टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल, जो कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप इतना ज़्यादा बदल जाओगे फॉर अ बेटर यू, उस इंसान के लिए नहीं लेकिन आपकी अपनी एक ग्रोथ में आपको काफ़ी हेल्प किया होगा इस इंसान ने, और आपने उसको वन वे और द अदर काफ़ी हेल्प किया होगा टू ग्रो एज अ ह्यूमन बींग एज वेल। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव कनेक्शन रहा है इन दैट सेंस, जो कि शायद आप अभी शायद रियलाइज़ नहीं करोगे, लेकिन जब आप एक नया चैप्टर एक दूसरे के साथ स्टार्ट करोगे जहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन भी होगी, जहाँ पे सब कुछ प्यारा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो मुझे लगता है कि तब आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकोगे कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट हैज़ बीन लाइफ, जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो टाइम गुजारा, जहाँ पे फाइट्स भी हुई, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी आपके दरमियान में जो कि आपको अक्सर फील किया होगा कि शायद इट्स ओवर, लेकिन हमेशा आप एक दूसरे के पास आए क्योंकि जो पुल था आप दोनों के दरमियान में वो हमेशा से था। और मुझे लगता है कि ये जो एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले कुछ दिनों में, मुझे लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ मिरेकल आप दोनों के लिए, ना सिर्फ आप दोनों के लिए बल्कि आपकी जो फैमिलीज हैं उनके लिए भी इट्स गोना बी अ मिरेकल। कहीं ना कहीं शायद आप खुद जितना एक सरप्राइज होगे उतना ही आपकी फैमिली भी सरप्राइज होगी टू सी थिंग्स चेंजिंग सो क्विक। सो मुझे लगता है कि बहुत सडन डेवलपमेंट और लेकिन बहुत पॉजिटिव वन, जो कि शायद आपकी ज़िंदगी में खुशियां और आपकी ज़िंदगी में आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशियां जो है वो ऐड करेगा ये न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर जो आप दोनों एक दूसरे के साथ शुरू करने वाले हो। दिस इज़ नॉट अ न्यू पर्सन, ये मैं आपको बता दूँगी, ये पास्ट पर्सन है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हो। लेट्स सी व्हाट कम्स हियर।
सोच आप दोनों के दरम्यान में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी, ऐसी बातें थी जो आपने शेयर नहीं की हुई थी, और मुझे लगता है कि अब वो सब होगा जो कि एक दूसरे से आपने छुपाया, बात ना करने की वजह से आप एक दूसरे से शेयर नहीं कर सके। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ जो है आप आने वाले दिनों में इस इंसान के साथ एक्सपीरियंस करोगे, और आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेगा। देन वी डू हैव द लवर्स। कहीं ना कहीं आप दोनों के दरम्यान में जो यू नो जो डिफरेंसेस थे, मुझे लगता है कि वो क्लियर होंगे कम्युनिकेशन के साथ, बातचीत जब आपकी शुरू होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे जो ब्लॉक्स थे ये जो भी चीज़ें जो आपको आपके कनेक्शन को रोक रही थी आगे बढ़ने से, वो ऐसा ऐसा करके वन बाय वन करके क्लियर होंगे। लेकिन सिंस इट्स अ रीडिंग फॉर कमिंग 1 week टाइम या उससे कम का टाइम, तो मुझे लगता है कि सारा कुछ बहुत जल्दी होगा, और एक एक ऐसी एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आएगी जो कि शायद आप राइट नाउ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन के दरम्यान में अभी भी एक तनाव जो है वो आप फील कर रहे होगे। लेकिन देन कम्स द मिरेकल। अनी डायरेक्ट वी डू हैव द फाइव ऑफ वॉन्ड्स राइट नाउ। शायद आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप स्ट्रेस्ड हो कनेक्शन को लेकर, जहाँ पे आप सोच रहे हो, लेकिन देन कम्स द ब्यूटीफुल एनर्जी जो आपकी ज़िंदगी और आपकी पर्सन की ज़िंदगी जो है वो बदल देगा फॉर गुड। देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए राइट नाउ। लेट्स सी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आप में से हो सकता है कुछ लोग स्कॉर्पियो हो या फिर स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है राइट नाउ जो आपके अंदर नेगेटिविटी थी है उसको जस्ट लेट दैट ऑल गो। क्लींस आउट एनी नेगेटिविटी जो आपके साथ राइट नाउ आप फील कर रहे हो फ्रॉम विदेन और आउटसाइड ऑफ यू। लोगों की नेगेटिविटी भी अपने अंदर नहीं एब्जॉर्ब होने दो। कोशिश करो कि अपने आप को इस टाइम के अंदर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट रख सको, लोगों से ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं हो, स्पेशली जो आपकी लाइफ में जिंदगी में नेगेटिविटी लाते हैं, यू नीड टू इग्नोर दोज पीपल और एटलीस्ट पुश देम अवे। लुक एट द बिगर पिक्चर और कोशिश करो कि जो आप डिज़ायर करते हो उसके बारे में सोचो, क्योंकि कुछ मैजिकल मिरेक्युलस आपकी लाइफ में होने वाला है। आप ऐसे कुछ लोग हो सकता है सेजिटेरियस हो या फिर सेजिटेरियस को डील कर रहे हो। एक और कार्ड लेंगे। लक इज़ ऑन योर साइड अगेन सेजिटेरियस। हो सकता है कि सेजिटेरियस जो है या फिर आपके या आपके पर्सन के चार्ट में एज अ स्ट्रॉन्गर पोजिशन पे राइट ना हो, तो हो सकता है कि उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहे आपकी ज़िंदगी में, आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन के साथ या फिर आपके खुद के साथ। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो शायद सेजिटेरियस मंथ में जो है वो स्टार्ट हुआ हो। या ये थी रीडिंग आप लोग की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय बाय।